मत्ते दबा दबा इस मालती का भी कोई भरोसा नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ, एक महीने के लिए अमेरिका उड़ गई। मम्मी उनके बच्चे वहाँ है तो उन्हें देखने जाएगी ही। लेकिन हमें तो बीच में लटका गई, बात कुछ बनती नजर आ रही थी कि ये गैर उसके बच्चे वहाँ ठीक है, जब देखो तब इतना खर्चा। अरे तुम उसके बच्चों की फिक्र छोड़ के अपने बच्चों की सुध लो। मैं पूछता हूँ कब आएंगी ये लड़कियाँ वापिस? अरे भाई आती ही होंगी, इतनी दूर गई हैं तो आने में कुछ टाइम लगेगा भी या नहीं। अजीब बेवकूफ लड़कियां हैं, और खास करके ये रूही, 2 महीने के बाद इसकी 12वीं की परीक्षा है, पर जब देखो इधर उधर, जब देखो इधर उधर। अजी उसकी सहेली के पिता कर्नल मित्रा ने अपने कुछ दोस्तों को लंच पर बुलाया था, मीरा ने इसे भी इन्वाइट कर लिया। और तुमने एक की बजाय 2-2 को भेज दिया वहाँ, बहुत अच्छा किया। 6 बजने वाले और अभी तक उनका लंच हो रहा है वहाँ। मैं तो कहता हूँ इनसे ज्यादा मूर्ख लड़कियाँ मैंने देखी ही नहीं। अपनी लड़कियों को मूर्ख कहना कहाँ की अकलमंदी है जी? अरे मूर्ख हैं तो कहना ही पड़ता है, पर असर कहाँ होता है तुम लोगों पर, न तुम पर न इन पर। लो आ गई तुम्हारी दोनों लाडलियाँ। हाय मम्मी, क्या लंच था, इतना मजा आया। इन आर्मी वालों को इतने बड़े बड़े बंगले मिलते हैं। पता है क्या टाइम हो रहा है पापा? वहाँ टाइम देखने की फुर्सत किसे थी? मैं तो उनके मेहमानों को देख रही थी। हाँ बेटे। मम्मी ये कैप्टन लेफ्टिनेंट बहुत स्मार्ट होते हैं, जरा उनका चाल देखो, स्टाइल देखो, बात करने का ढंग देखो। अरे बेटी इसमें क्या शक है, उनके सामने सिविलियन तो बिल्कुल लल्लू पंजी लगते हैं। मेरी बुआ का देवर आर्मी में कैप्टन था, मुझे बड़ा अच्छा लगता था। वो जब भी बुआ के साथ आता मैं तो उसकी अदाएं देखती रहती। अरे तुम वरमाला भाई उसी के गले में डाल देती। अजी कैसे डाल देती, पिताजी को कैप्टन के बजाय कलेक्टर दामाद चाहिए था ना, और आप उसकी तैयारी कर रहे थे। पर मेरी बेटियों में से किसी एक को आर्मी वाला मिल जाए ना, मैं तो फौरन शादी। ओ भूल गई, सुबह जब हम उतर रहे थे ना ड्राइवर आके चिट्ठी दे गया था, मिस रूपा आनंद। अजी पागल लड़की है, ऊपर हमें आकर दे नहीं सकती थी? कौन वापस इतनी सीढ़ियां चढ़ता, लो आप पढ़ लो। अरे रूपा बेटी लव लेटर, अब आएगा मजा। रूपा बेटी जल्दी से पढ़कर सुना तो क्या लिखा है, पढ़ना। प्रिय रूपा, कपूर आंटी के जाने के बाद मुलाकात ही नहीं हुई, हम सब तुम्हें याद करते हैं। अगर कल का दिन हमारे साथ बिता सको तो बड़ी खुशी होगी। लंच के बाद मूवी देखने जाएंगे, हमने तुम्हारा टिकट भी मंगा लिया है, आशा है निराश नहीं करोगी। तुम्हारी लीना। देखा मैंने कहती थी हमारी रूपा को तो कोई मांग कर ले जाएगा। मम्मी अरे सीधी सीधी बात है, तू उन्हें बेहद पसंद आ गई, तभी तो बस तुझे ही बुलाया है चिट्ठी लिखकर। तो तुम इसे अकेले भेज दोगी? और नहीं तो क्या मना कर दूंगी, ऐसा घर और वर दिया लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलता। हाँ अब फिर वो वहाँ अकेले थोड़ी रहता है, उसकी बहनें भी तो हैं साथ। रेखा बेटे तुम इसके साथ जाना। नहीं पापा मैं नहीं जाऊंगी, उन्होंने सिर्फ रूपा को बुलाया है, वही जाएगी। हाँ हाँ रूपा ही जाएगी, जरूरी है कि हर जगह रेखा उसके साथ जाए। और फिर लड़कियों को ससुराल अकेले ही जाना पड़ता है, माँ बहने साथ नहीं जाती। बिल्ली को ख्वाब में भी चूहे ही नजर आते हैं, उन्होंने जरा सा खाने पर क्या पिला लिया, इनको देखो ये इन्होंने दहेज की तैयारियां शुरू कर दी। अजी ये जरा सी बात नहीं, उन लड़कियों का नखरा देखा नहीं, किसी से सीधे मुंह बात नहीं करती, और हमारी रूपा को चिट्ठी लिखकर बुलवाया है। मैं तो कहती हूँ भाई ने ही लिखवाई होगी चिट्ठी, भला कोई पूछे तो फोन नहीं कर सकते थे, पर बड़े आदमियों की बड़ी बातें। बेटी तू जल्दी से सो जाना, और सुबह जल्दी से उठकर जाने की तैयारी करना। हाँ मेरी प्यारी बेटी। हाय
तैयार हो रही है ना? इतनी बारिश हो रही है मम्मी, कैसे जाऊंगी? कागज की बनी है क्या जो गल जाएगी? अरे ऐसी बूंदाबांदी तो रोज ही होती है, तो लोग क्या अपना काम बंद कर देते हैं? इतनी दूर जाना है, भीग नहीं जाऊंगी? 5 मिनट में सूख जाऊंगी। और फिर उनके पास तो कार है, जहां भी जाना होगा कार में जाओगी। एक काम करो, तू यहाँ से ट्रेन से चली जा और वहां उतर कर टैक्सी ले लेना, फिर भीगोगी भी नहीं और टैक्सी का रौब भी पड़ता है। जैसे वो बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जब बुलाया है तो जरूर करेंगे, कम से कम रवि तो करेगा ही, तुझे वो पसंद है ना? मम्मी ऐसी बात करोगे तो मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा बाबा, लेकिन ये क्या, ये नहीं पहनना, साड़ी पहन कर जा। तेरे पास वो मरून रंग की साड़ी है ना, वो तुझ पे बहुत अच्छी खिलती है, और रुई से मैच करता हुआ पर्स ले लेना। वैसे तेरा कद तो अच्छा है, फिर भी ऊंची एड़ी की सैंडल पहनना, रवि भी तो लंबा है ना। मम्मी अच्छा बाबा अच्छा, मैं जाती हूँ, तू जल्दी से तैयार हो जा। हेलो, अरे तुम अभी तक वहाँ हो? यहाँ सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, खास तौर पे मम्मी। कैसी रही तुम्हारी मूवी? अरे देखने ही नहीं गई, आज पता नहीं कैसे भारत से घर से निकली, सब गड़बड़ हो गया। क्या हुआ? अरे इतनी तेज बारिश हो रही थी, बुरी तरह भीग गई, बस स्टेशन पर टायर नीचे चल गया। चोट तो नहीं आई? हाय राम, ऊपर से सर्दी लगकर बुखार भी चढ़ गया, सारा बदन दर्द कर रहा है। 103 बुखार हो गया ना, सब लोगों ने डॉक्टर को बुला लिया, मुझे तो इतनी शर्म आ रही है, आज घर जाने को भी मना कर रहे हैं। ठहर, मैं अभी मम्मी को पूछ कर बताती हूँ। मम्मी, रूपा को भीग कर ठंड लग गई है, वो बुखार में पड़ी है, बेचारी का पैर फिसल गया, मोच आ गई वो अलग। हाय राम, वो लोग कह रहे हैं आज वही रुक जाओ, बारिश में कैसे जाओगी, अब क्या करें? करेगी क्या, बीमार है तो रुकना ही पड़ेगा, अनजान लोगों के घर में ऐसे कैसे रुक जाएगी? पापा आप उसे ले आइए। ना मैंने भेजा था ना मैं लेने जाऊंगा, तुम लोग बारिश में भी चैन नहीं लेने देते। हाँ रूपा, तू आराम कर, मैं अभी आती हूँ। ओके। रूपा को कुछ हो गया ना तो यही सोचकर संतोष कर लेना कि तुम्हारी आज्ञा अनुसार पति ढूंढने गई थी। क्यों मुंह से कुबोल निकाल रहे हो? जुकाम खांसी से कोई मर नहीं जाता। नजला मेरे पिताजी को था, मुझे था, अब रूपा पर गया है। उस भयानक नजले की याद दिलाना जरूरी है आज भी? हे भगवान, उन 100-100 छींकों की याद आते ही आज भी मेरा कलेजा दहल जाता है। पता नहीं कैसे बर्दाश्त कर गया था मैं। उफ हो, अब आप नजले पर रिसर्च करते रहेंगे या उसे लेने भी जाएंगे? बेटे मैं तो जाने से रहा, जिन्होंने भेजा है वही जाएंगे। मैं जाकर क्या करूंगी, वो अपनी गाड़ी में भेज देंगे उसे। मम्मी वो बेचारी बुखार में जल रही है और हम उसे लेने भी ना जाए। मैं जाती हूँ। हाँ बेटे जा, टैक्सी में आने जाने में देर नहीं लगेगी, जा। देर नहीं लगेगी पर कम से कम 100 रुपए लगेंगे। रेखा बेटे तो ऐसा कर, यहाँ से ट्रेन से चली जा, वहां से वो लोग गाड़ी में भेज देंगे अपने। आइए। नमस्ते। नमस्ते। आप तो बिल्कुल ही भीग गए। रास्ते में बारिश बहुत हो रही थी और छाता के बावजूद भी भीग गई, पर यहाँ लगता है जैसे बारिश हुई नहीं। हाँ कुछ देर पहले यहाँ भी काफी बारिश हो रही थी। रूपा कैसी है? अभी भी बुखार है, आइए ना अंदर। Look at this. अरे आइए आइए, बैठिए। आपको इस बारिश में बड़ी मुश्किल हुई होगी। मिसफॉर्चून्स नेवर कम अलोन। अब देखिए ना, हमारी गाड़ी कुछ काम के लिए अंधेरी गई थी, वहां पानी में फंस गए, इंजन में पानी भर गया, ड्राइवर अब गैराज में लेके गया। नेवर माइंड। रूपा कैसी है? अभी भी बहुत तेज बुखार है, मुझे नहीं लगता
आज आप उसे अपने घर ले जा पाएंगी। क्यों? डॉक्टर ने कहा है इतने तेज बुखार में बाहर जाना ठीक नहीं है, अगर ठंड लग जाएगी तो बीमारी बढ़ सकती है। लेकिन अगर हमारी गाड़ी आ जाएगी तो आप उसे ले जा सकती हैं। लीना, मैं गाड़ी और टैक्सी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बुखार और इस आंधी तूफान की बात कर रहा हूँ। रेखा जी, मेरी माने तो आज रात आप यहीं रह लीजिए, कल मौसम साफ होते चले जाएंगे। वो कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? इतना खतरा मोल लेने से तो ये अच्छा है कि आप अपने घर पे फोन करके बता दीजिए कि आप कल आएंगी। पहले मैं God bless. पहले मैं रूपा से पूछ लूं। कुमकुम, इन्हें कुछ सूखे कपड़े दे दो, नहीं तो इन्हें भी ठंड लग जाएगी। नहीं नहीं, ये ठीक है। प्लीज। वो आए घर हमारे खुदा की कुदरत है, कभी हम उनको कभी अपने घर को देखते हैं। ये शेर किस खुशी में पढ़ा गया? आपके मेहमानों के स्वागत में। बुलाया था एक को और दो तो आधम की, मुझे तो इस छोटी का पेज ही ढीला लगता है। वो किस लिए? जिस तरह से वो घर में घुसी ना, मुझे तो हंसी रोकना ही मुश्किल हो गया था। अजी, इनकी बहन कोई जंगल में तो नहीं बैठी थी? आ गई। क्या हाल है? बहुत बुरा, दर्द के मारे सर फटा जा रहा है। भाई राम, तुझे तो बहुत बुखार है। अब कैसे जाएंगे? मुझसे तो उठा भी नहीं जा रहा, पैर में जो मोच आई है ना, बहुत दर्द कर रहा है। वो लोग कह रहे हैं आज रात यही रुक जाओ, इस आंधी तूफान में कैसे जाओगे? फिर अगर तेरा बुखार पड़ गया तो मुसीबत हो जाएगी। और अगर घर नहीं गए तो पापा मुसीबत करते हैं। तो पापा की बात छोड़, थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते हैं, अगर तेरा बुखार कम हो गया और ये बारिश रुक गई तो चले जाएंगे। दवाई लेनी? चल सो जा। जरा सा जुकाम बुखार हो ही गया तो कौन सा आसमान टूट पड़ा। सम पीपल हैव नो क्लास। और इसके कपड़े देखे थे, छीन, एक एक इंच कीचड़ लगा था। मेरा तो ध्यान इन बातों पर नहीं गया, उल्टा मुझे लगा इन बहनों में कितना प्यार है। आना ही था तो फादर को आना चाहिए था, अपनी जगह लड़की को भेज दिया। अजीब किस्म के लोग हैं ये, सुना है इनका मामा रेलवे में गार्ड है। तभी तो ये भांजिया इतनी तेज चाल चलती है। क्यों राहुल जी, ये रूप देखे आंखों का जादू कुछ कम हुआ? जी नहीं, मेरे ख्याल में तो भीगी पल के आंखों की चमक और बढ़ा देती है। कैसी तबीयत है? रूपा को तो बहुत तेज बुखार है, मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। देखिए, आप मेरा कहा मानिए, घर पर फोन कर दीजिएगा, वो लोग भी परेशान होंगे। मैं कल आपको घर छोड़ दूंगा, प्लीज जिद मत कीजिए, आइए। हेलो मम्मी, मैं रेखा बोल रही हूँ। नहीं, रूपा को अभी तक बहुत तेज बुखार है और ये बारिश भी नहीं रुक रही। नहीं, ये लोग कह रहे हैं आज रात यही रुक जाओ। अरे भाई, तो कौन जबरदस्ती कर रहा है, रुक जाओ, इस आंधी तूफान में तुम लोग आ भी कैसे सकती हो? और जब रवि इतना जोर दे रहा है तो रुक जाओ बेटी। अच्छा ठीक है। हेलो, मैं सुबह 10 बजे के करीब तुम लोगों को लेने आऊंगी, लेकिन सुनो, दोनों बहनें रात को एक ही कमरे में सोना, समझे? ठीक है, पूरे 10 बजे आ जाना, देर नहीं करना मम्मी। ओके, गुड नाइट। आप ये मैगजीन पढ़ेंगे? थैंक यू। रेखा जी, आपने तो कुछ खाया नहीं, खाना अच्छा नहीं था क्या? वो बात नहीं है, खाना तो बहुत अच्छा था, पर मुझे भूख ही नहीं थी। चलो चलो सब, ताश खेलते हैं। चलो ना भैया, थोड़ी देर ताश खेलते हैं। तुम खेलोगी ना? मुझे ताश खेलने का शौक नहीं है। क्यों? आप लोग खेलिए ना, मैं ये मैगजीन पढ़ रही हूँ। कुछ लोग ताश खेलना वक्त की बर्बादी समझते हैं।
मैं तो ऐसा नहीं समझती, मेरे शौक अलग हैं। अच्छा, क्या शौक है आपके? जैसे बीमार बहन की सेवा करना? सॉरी, मेरे पास यहाँ बहुत थोड़ी सी किताबें हैं। भाई, लाइब्रेरी तो देखने लायक राहुल की है। ओह माय गॉड, व्हाट अ कलेक्शन। वो तो मेरे दादाजी और पिताजी की देन है। लेकिन राहुल जी, आप तो हमेशा किताबें खरीदते रहते हैं, है ना? भाई लाइब्रेरी तो क्या, इनका विला तो देखते ही बनता है। जब भी जाओ कुछ नया देखने को मिलता है। इतने बड़े घर में नेहा बड़ा अकेलापन महसूस करती होगी। इनकी मेहरबानी होगी तभी तो कोई साथी मिलेगा। पिछली बार नेहा कह रही थी, भैया कहते हैं मैं पेंटिंग सीखूं, गाना सीखूं, डांस सीखूं, इन सब चीजों से किसी का अकेलापन थोड़े ही दूर होता है। नेहा को तो चाहिए एक भाभी। राहुल, ये आपकी ज्यादती है। खुद उससे इतना कुछ चाहते हैं और उसे एक अदद भाभी भी नहीं दे सकते। नेहा को तो भाभी तब नसीब होगी जब इन्हें कोई लड़की पसंद आ जाए। इनका स्टैंडर्ड कुछ ज्यादा ही ऊंचा है। लेकिन भैया, स्टैंडर्ड तो ऊंचा होना ही चाहिए, क्योंकि शक्ल सूरत, पढ़ाई लिखाई के अलावा खानदान, रिश्तेदारी, चाल ढाल, बोलने चलने का ढंग और अंदाज, सभी तो देखना पड़ता है। मैं ठीक कह रही हूँ ना राहुल जी? नहीं, उससे ज्यादा जरूरी है बुद्धि और ज्ञान, ब्रेन एंड इंटेलिजेंस। आप एक इंसान में इतना सब ढूंढ रहे हैं? क्यों, हो नहीं सकता? मैंने तो नहीं देखा। हर इंसान की अपनी अच्छाइयां भी होती हैं और बुराइयां भी। जब हम किसी एक इंसान को स्वीकारते हैं तो पूरा का पूरा। गुण और दोषों की अलग लाइन लगाना ना उचित है और ना संभव। गुड नाइट। गुड नाइट। देर हो गई ना भाई, घर से निकलना इतना आसान थोड़ी है। 70 झंझट होते हैं और फिर रूही जो बाहर गई तो आई ही नहीं। मैं थक थक करके अकेली ही चली आई। रूपा कैसी है? मिसेस आनंद। वैसे उसका स्वभाव इतना मीठा है कि बीमारी में भी किसी को तंग नहीं करती। रवि बेटे, तुम्हारा घर तो बड़ा प्यारा है, अब तो यही रहोगे ना? बस जब तक दिल करेगा रहेंगे। अरे हमारे बम्बई शहर में सबका दिल लग जाता है। इस भीड़ भाड़ और घुटन में दिल तो किसका लगता है? लगता है जी, खूब लगता है। मुझे तो कोई 1,00,000 रुपए भी देना तो भी मैं बम्बई शहर ना छोड़ू। हाँ, हंसने बोलने वाले का दिल हर जगह लगता है। अब जिसको आदत हो गाल फुलाए बैठने की तो बैठा रहे गाल फुलाए हमारी बला से। अरे मम्मी, आप आ गई, बड़ी देर करती। अब प्रीमा आई थी? हाँ हाँ, आएगी कैसे नहीं। दोनों माँ बेटी खूब पूछताछ कर रही थी तुम्हारे बारे में कि तुम कहाँ गई हो, पर मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली, ऐसा सफाई से टाल दिया कि बस। हाँ, प्रेमा स्वभाव की अच्छी है, अब शक्ल सूरत पे तो किसी का जोर होता नहीं। क्यों मम्मी? चलो रूपा को देखे, सामने वाला कमरा है। हाँ हाँ, चलते हैं चलते। सुना आपने, गुप्ता जी और हमारा पड़ोस 20 साल पुराना है, समझे? ये लड़कियां तो खेलते खेलते बड़ी हो गई आपस में। मिसेस गुप्ता हमेशा कहा करती थी कि तुम्हारी रूपा के सामने मेरी प्रेमा तो बिल्कुल काली लगती है। अब रूपा का तो रंग रूप ही ऐसा है जैसा खरा सोना। जब वो पैदा हुई थी ना तो अस्पताल की डॉक्टर ने उसे देखते ही उसका नाम रख दिया था रूपा। मम्मी, आप कपड़े लाए तो दो, फिर चलते हैं। हाँ भाई हाँ, लो ये तुम्हारे कपड़े। हाँ। लेकिन रेखा जी, डॉक्टर ने आज आपको जाने को मना किया है। क्यों क्यों? I'm sorry, Mrs. Anand. रूपा को अब भी काफी तेज बुखार है। सुबह डॉक्टर आए थे, उन्हें डर है कहीं हवा लगने से न्यूमोनिया ना हो जाए। हे भगवान, अब क्या होगा? डरने की कोई बात नहीं, इंजेक्शन दे दिया है, पर डॉक्टर रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए एक दिन और रुकने को कह। लेकिन आपने तो। लेकिन लेकिन कुछ एक दिन से क्या फर्क पड़ता है, कल तबीयत समझ जाएगी, फिर मैं खुद आपको छोड़ा होगा। आप तो कल भी यही कह रहे थे। ओफो, बेकार बहस कर रही है। जब डॉक्टर कह रहे तब ये क्या करेंगे। वैसे भी काफी परेशानी उठा रहे हैं। परेशानी किस बात की मिसेस आना, यू आर मोस्ट वेलकम। आप रूपा से मिल लीजिए, फिर हमारा ड्राइवर आपको घर छोड़ाएगा। जरूर जरूर, चलिए चलिए। राहुल जी, राहुल जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक सलाह दूं।
बोलिए। घर गृहस्थी बसाने से पहले अपनी सासू जी की जुबान पर रोकथाम लगा दीजिएगा, और हाँ अगर संभव हो तो आपकी वो जो है ना वो, उनसे कह दीजिएगा कि अपनी अकड़ कम कर दे। मेरी गृहस्थी की सुख शांति के लिए कोई और सलाह? आपके दादा राजा साहब और पिताजी की तस्वीर के सामने इनके मामा मिस्टर गार्ड और माता पिता की बड़ी सी तस्वीर लगाना मत भूलिएगा। और हाँ, जहां तक रेखा की तस्वीर का सवाल है, मुझे नहीं लगता कि कोई कलाकार कैनवस पे इनके आंखों का माधुर्य उतार पाएगा। आप सच कह रही हैं, उन आंखों का माधुर्य उतारना संभव नहीं, पर शायद कोई मंझा हुआ कलाकार उनके रंग रूप और लंबी लंबी पलकों को कैनवस पर उतार दे। मैं अंदर आ सकता हूं? आइए। अब कैसी तबीयत है आपकी? अच्छी है। ये ले जाओ, मेरे को थोड़ा सा पिए। बस और थोड़ा सा पी लीजिए, आपने तो हमें डरा ही दिया था। मेरी वजह से आप लोगों को इतनी तकलीफ हुई। ऐसा मत कहिए, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपकी बीमारी से मैं खुश हूँ, लेकिन आपके यहाँ रहने से मुझे बड़ी खुशी हुई है। भला बीमार भी किसी को अच्छे लगते हैं? मुझे लगते हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ, आप आराम कीजिए, कल वैसे आपको जाना है। कहिए तो दो चार दिन और रुक जाए। नेकी और पूछ पूछ, मेरी माने तो दो चार दिन रह लीजिए। क्यों रूपा, रवि जी की बात सुनी, मुझे नींद आ रही है। ओके, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। रवि जी, क्या मैं आपके साथ कुछ देर के लिए नीचे आ सकती हूँ? मुझे इतनी जल्दी नींद नहीं आती। ओह श्योर, वैसे भी हम लोग 10-12 बजे तक सोते नहीं है, प्लीज कम। कहा पिछले बार भी भूल गए थे? कहा नहीं नहीं, हर बार नहीं लाते। हाँ इस बार मैंने पीली वाली के लिए बोल दी। हाँ हाँ नहीं, आजकल तो जापान गए हुए हैं ना। हाँ हाँ मैं भी जाऊँगी। हाँ ही भी कमी। हाँ ले जाएंगे। अच्छा सुनो, तुम्हें कुछ क्या हो रहा है? रवि भैया, राहुल अपनी बहन को कितनी लंबी चिट्ठी लिख रहा है। ये आपकी तरह नहीं है, बस दो लाइन लिखी और हो गई चिट्ठी। से नेहा इतनी लंबी चिट्ठी पढ़ के कितना खुश होगी ना। और आप लिखते भी बहुत तेज हैं। मैं तो बहुत धीरे लिखता हूँ। आप नेहा को मेरा प्यार लिखना और कह देना मैं उसे बहुत याद करती हूँ। एक बार लिख दिया है, फिर से लिखूं? नेहा आजकल इतनी सारी चीजें एक साथ सीख रही है, ये तो वाकई कमाल है ना। और नहीं तो क्या? और उसके पियानो और भरतनाट्यम के बारे में सुन के मेरा दिल तो खुशी से भर गया। बदकिस्मती से ये पेपर भी भर गया है। आपके उद्गारों का हाल मैं अगले पत्र में लिखूंगा। राहुल अब एक बात मुझे बताइए, आप हमेशा इतने प्यारे खत लिखते हैं? लंबे तो लिखता हूँ, अब वो प्यारे है या नहीं ये कोई दूसरा ही बता सकता है। रवि, क्या आज शाम भी ऐसे ही घर में बैठ के गुजार दोगे? भाई मैं तो बोर हो गई हूँ। ऐसे मौसम में कहाँ जा सकते हैं? और फिर रूपा की तबीयत भी? नहीं नहीं, बैठे बैठे मेरी भी टांगे अकड़ गई है। वैसे तो मैं कमरे में थोड़ा घूम फिर लेती हूँ। रेखा जी, आप तो कुछ पढ़ नहीं रही है ना, चलिए ना थोड़ा घूमाते हैं। शायद राहुल अपना खत छोड़ के हमारी बात में शामिल हो जाए। राहुल जी, अब तो आप हमारे साथ टहल सकते हैं, आपका पत्र तो खत्म भी हो गया। नो थैंक यू। बट वाई नॉट, देखिए आप तो बैठे बैठे थक भी गए होंगे। अगर आप दोनों को टहलते टहलते कुछ प्राइवेट बातें करनी है तो मैं आप दोनों के बीच में नहीं आना चाहता। और अगर आप दोनों ये चाहती हैं कि मैं आप दोनों की चाल ढाल की तारीफ करूं तो मैं ये काम यहाँ बैठ के ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। दैट्स नॉट फेयर, हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं था। रेखा, इन्होंने हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया है, अब इसकी सजा इन्हें कैसे दी जाए? इन पर हंसकर, इन्हें चिढ़ाकर। इनके जैसे नपे तुले सधे हुए आदमी पे भला कोई हंस सकता है? तो राहुल साहब हंसी मजाक से ऊपर हैं? हंसी मजाक और व्यंग से ऊपर कौन हो सकता है?
लेकिन आपने अगर किसी की हंसी उड़ाने का तय कर ही लिया है तो आपको कौन रोक सकता है, चाहे वो कितना भी अच्छा क्यों ना हो। अच्छाइयों पर हंसना तो नामुमकिन है, पर इंसानी कमजोरियों बेवकूफियों पर तो दिल खोलकर हंसा जा सकता है। लेकिन जाहिर है आप ऐसी किसी कमजोरी के शिकार नहीं हैं। मैं कोशिश तो जरूर करता हूँ कि मैं ऐसे कमजोरियों से दूर रहूं जिन पर लोग हंसा करें। जैसे अभिमान और अहंकार। हाँ, अहंकार तो इंसान की कमजोरी है, पर जहां तक स्वाभिमान का सवाल है, मैं समझता हूं कि इससे इंसान के चरित्र को शक्ति मिलती है। अगर आप राहुल का इम्तिहान ले चुकी हो तो क्या मैं पूछ सकती हूँ कि परीक्षा फल क्या रहा? राहुल साहब ने तो खुद ही स्वीकार कर लिया है कि वो इंसानी कमजोरियों से कहीं ऊपर उठे हुए हैं। मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, कमजोरियां मुझ में हैं, पर दूसरों को गलत समझने की नहीं, केवल अपने स्वभाव की। दूसरों की बेवकूफी और बुराइयों को मैं जल्दी से भूल नहीं पाता। मुझे नुकसान पहुंचाकर कोई मेरे गुस्से से बच नहीं सकता, और अगर मुझे किसी से नफरत हो जाए तो मैं अपनी राय उसके बारे में कभी नहीं बदलता। फिर मैं आपके पर हंसने की हिम्मत कैसे कर सकती हूँ? हर इंसान में ऐसी एक दो बुराइयां होती हैं जिन्हें वो चाहकर भी जीत नहीं पाता। आपकी बुराई है दूसरों से नफरत करना, और आपकी जानबूझकर दूसरों को गलत समझना। Thank you.